धार्मिक यात्राओं में कठिनतम पैदल यात्राओं में से एक है श्रीखंड महादेव यात्रा पर बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। हिमाचल के कुल्लू और शिमला जिला की चोटियों के मध्य 5,227 मीटर ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव के दर्शन हर साल देश विदेश से हजारों श्रद्धालु करने यहाँ पहुंचते हैं। मार्ग जोखिमपूर्ण और विकट होने के चलते यात्रा चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन बीते वर्ष व इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा पर आधिकारिक तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ रोज पूर्व 6 युवकों का दल फांचा होते हुए श्रीखंड पैदल ट्रैक पर निकला था, लेकिन श्रीखंड यात्रा मार्ग के आखिरी पड़ाव मजबोन में 25 वर्षीय सचिन ग्लेशियर से फिसलने के कारण चोटिल हो गया, जिस कारण उसका वहां से आना मुमकिन नहीं था। ऐसे में उसके 5 साथी उसे अकेला वहीं छोड़कर निकल गए। दूरभाष सिग्नल भी ना होने के चलते तुरंत संपर्क करना संभव नहीं था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को पहुंची, पुलिस ने आईटीबीपी और पुलिस और होमगार्ड के जवानों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने 48 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को सकुशल पहुंचाया है। उधर दूसरी ओर इस दौरान अन्य मार्ग बागीपुल होते हुए 6 सदस्य दल श्रीखंड महादेव दर्शन के लिए निकला था, जिसमें तरुण कुमार दिल्ली निवासी को पार्वती बाग के समीप बर्फ में पैर फिसलने के कारण चोट लगने से उसकी मौत हो गई। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने कहा कि ज्यूरी फांचा से यात्रा आधिकारिक तौर पर अनुमति नहीं दी जाती है। उन्होंने लोगों से जोखिम उठाकर यात्रा ना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला प्रशासन ने भी यात्रा मार्ग में अधिक ग्लेशियर की वजह से यात्रा प्रतिबंधित कर दी है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे बेवजह अपनी जान को जोखिम में ना डालें, क्योंकि इस बार ज्यादा ग्लेशियर हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान चोटिल हुए युवक का रेस्क्यू 48 घंटे में कर लिया गया था। साथ ही अगर कोई भी इसी तरह की यात्राओं को जाता है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक उस नौजवान को रेस्क्यू करने का सवाल है, तो मैं आईटीबीपी, हमारे पुलिस के जवान, होमगार्ड्स, लोकल वॉलंटियर्स का धन्यवादी हूँ। उन्होंने 48 आवर्स तक एक मैराथन, एक मिशन को कंप्लीट किया है, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जहाँ तक श्रीखंड यात्रा की बात है, मैं लोगों से चाहूँगा कृपया श्रीखंड महादेव ना जाएँ। यह रूट जो हमारा ज्योरी फांचा मार्ग, तो आधिकारिक रूप से बंद ही है, यहाँ से यात्रा भी आयोजित नहीं होती है, तो बेवजह का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग रिस्क लेंगे उनके खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लेंगे। दूसरा, कुल्लू जिला प्रशासन ने भी इस यात्रा को इस बार प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोविड के कारणों की वजह से वहाँ पर तैयारियाँ नहीं हो पाई है, जो भी इश्यूज़ हैं, तो श्रीखंड जाने का सवाल नहीं है। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है, कृपया समाज हित के लिए, अपने परिवार हित के लिए श्रीखंड यात्रा पर ना जाएँ। और इवन दूसरे भी पहाड़, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं यहाँ पर, जो भी भरे कंडे हैं, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है काफ़ी लोगों की डेथ पहले भी हुई है, जो कांडे गए थे सर्दी की वजह से, पैर फिसलने की वजह से। तो कृपया चोरी छुपे जो भी यात्रा आप करते हैं पहाड़ों की, वो ना करें।